लगभग 2-3 महीने बाद हम वापस आए हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज मौसम भी काफी अच्छा था, देख सकते हैं ठंडा माहौल है, तो सोचा क्यों ना आज पहाड़ों में जाके कुछ खाया पिया जाए। तो हमारे साथ हमारे पुराने सदस्य शुभू जी और हमारे पुराने सदस्य निखिल जी। तो आज हम जा रहे हैं कोई पहाड़ों के ऊपर, वहां जाके थोड़ा मैगी शैगी बनाएंगे, थोड़ा पहाड़ियों का लुत्फ लेंगे। तो चलो चलते हैं। दोस्तों यार नजारा देखो यार, ठंड का और बारिश जब दोनों मिक्स हो जाते हैं ना, एक अलग ही व्यू बनता है, आप देख सकते हैं यार। यार तो दोस्तों मैगी कम पड़ गई थी तो हम दुकान पे आए हैं। ये दुकान है अपनी, येलो वाले। तो फन फाइन और दो मैगी हमने ले लिया दुकान से। हमारे निखिल भाई जी का कहना है कि मैं दो मैगी के साथ दो फन पॉप भी खाऊंगा। तो देख सकते हैं देसी मैगी मिली है हमें। ये मैगी मिली है, ये मैगी नहीं है, इसका नाम है गोल मोल इंस्टेंट नूडल्स। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। ये आगे भी यार जगह पर, हमें ये जगह बहुत पसंद है। यहाँ पे झरना भी है, पानी का भी इंतज़ाम है। तो हम सोच रहे हैं यहीं ऊपर की तरफ जाएं और वहाँ अपनी कैंपिंग करें। तो मैं आपको यहाँ पानी का स्रोत दिखा देता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से गायें जो उनके लिए, भैंसों के लिए बनाया, और ये है पानी की बोली। पानी थोड़ा गंदा सा ही लग रहा है, इसको उबालना पड़ेगा। पानी काफ़ी गंदा है, अब समझ नहीं आ रही क्या करें। अब शायद पानी के लिए हमें आगे पीछे जाना पड़ेगा। तो ये झरना है पानी का, हम सोच रहे हैं यार ये पानी यूज़ कर ले क्योंकि साफ ही होगा, पहाड़ों से आ रहा है। दोस्तों पानी नहीं था, वो भी आपने देखा गंदी है, तो हम यहाँ झरने का ही पानी लेंगे। देख सकते हैं एकदम साफ पानी है। पानी हमने ले लिया है, अब इसी से मैगी बनाएंगे। पानी भी है तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं थोड़ा, ताकि वहां जाके हम अपना कैंपिंग वूपिंग कर सकें। ओ एरिया बहुत ही मस्त है, ठंडा सा माहौल है, बारिश का भी है साथ में। तो पहली बार कुछ ऐसा ट्राई करने जा रहा हूं मैं, तो चलो चलते हैं। अगर आप ऐसी कैंपिंग पे जाते हैं तो घर वालों को जरूर बता के आए और उनसे पूछ के आए। रिस्क रहता है गीली मिट्टी और पत्थरों का, देख सकते हो पत्थर लुढ़क गया, ऐसे आप ही लुढ़क सकते हैं। तो हमारी टीम पहुंच चुकी है, देख सकते हैं हमें कोई मस्त सी जगह मिल गई है, प्लेन सी। अब हम जहाँ लकड़ियाँ लुकड़ियाँ ढूंढेंगे, तब तक अपना सामान जहाँ छोड़ देते हैं। ओ भाई इधर कांटे हैं, कांटों से बच कर रहना, कांटे हैं इधर, ठीक है। अब हम जहाँ अपना सामान सामून उतार के और इधर ही अपनी मैगी शैगी बनाएंगे। तो अभी हम लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं, मैगी भी तो बनानी है हमने। व्यू देखो, वो देखो ट्रेन जा रही है यार, ये देखो दिख रही है आपको लाइन सी यार, क्या है यार मस्त जगह, एकदम मस्त जगह आए हम। चलो ट्रेन छोड़ो, लकड़ी ढूंढने में लगते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत होती है जंगल में कैंपिंग करना, कांटे, हर जगह कांटे होते हैं। 10-20 तो मुझे चुभ गए अभी तक, पर लकड़ियां हमें बहुत मिल चुकी है, आराम से मैगी बन जाएगी। लकड़ियों का इंतजाम हो गया, बहुत सी लकड़ियां मिल गई हमें। तो पानी भी मिल ही गया था वहाँ का, उसको उबालेंगे पहले, इसको प्योर करेंगे तो फिर उसमें मैगी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई है, तो हम यहाँ अभी भी चूल्हा बना दिया मैगी के लिए, तो लकड़ियाँ भी इकट्ठी कर ली आपने देखा। तो अभी अपना कार्रवाई स्टार्ट करते हैं हम। मौसम तो बहुत ही अच्छा है इधर,
तो हमारे निखिल भाई जी अभी प्याज टमाटर काट रहे हैं, मैगियों को तड़का भी तो लगाना है हमने, आग भी हमारी धीमी धीमी आंच पे जल रही है। शुभम जी अभी एक नंबर पे गए हुए हैं। अबे वो देख क्या क्या लकड़ियाँ लकड़ियाँ बहुत है कहाँ बहुत है। तो आप भी लुप्त रहते रहिए हमारे साथ इस छोटी सी पिकनिक का। अभी हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं, निखिल भाई पीछे लकड़ियाँ ढूंढने को लगे हुए हैं। ये अपना तड़का लग रहा है, तेल अभी गर्म कर रहे हैं हम, तो फिर तड़का लगाएंगे। बहुत ही मुश्किल काम है, आप सोचते हो कि कैंपिंग करना आसान है, आज हमारी भी आंखें खुल गई, आग बालने में ही बुरी हालत होगी यार, चार पांच बार तो आग बुझी लग के। हाँ मिर्ची भी जानते साथ में। बड़ी मशक्कत से हमारा तड़का तैयार हो गया, आग बंद हो गई है। कैमरा उठता है। आधे रास्ते पे हम फंसे हुए हैं, मैगी डालने की तैयारी हो रही है। मैं आपको एक ही सलाह देता हूँ, जब भी आप ऐसे कहीं पे कैंपिंग वगैरह में जाएं तो आग चलाने का इंतजाम जरूर कर लें, क्योंकि कोई 6-7 बार तो हमारी आग बुझ गई है, बीच में तड़का रह गया, कभी बीच में उबलते उबलते रह जाती है मैगी, बहुत मुश्किल है। तो अगली बार हम पेट्रोल लेके आएंगे आग बालने के लिए। अभी हमारे जो टीम मेंबर्स हैं लगे हुए हैं मशक्कत करने के लिए, अपना लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पे मोरों की भी आवाज़ें आ रही है, दिख जाता तो वेल एंड गुड, आपको भी दर्शन करा देंगे मोरों के, मोर मोर पीकॉक। तो तब तक आप इंजॉय कीजिए। तो दोस्तों देख सकते हो मैगी हमारी तैयार हो चुकी है, देखो यार नज़ारा, ये नज़ारा और मैगी, मज़ा ही कुछ और है यार। यार ये जो आग में आप कोई भी चीज़ बनाओगे ना, उसमें आपको आग का अलग टेस्ट आएगा। मैं ये खा रहा हूँ ना, इसमें ना स्मोकी सा फ्लेवर आ रहा है, स्मोकी सा फ्लेवर, ऐसा लग रहा है कि आग की थोड़ी सी खुशबू इसमें भी है। ज़बरदस्त बनी हुई है एकदम, प्लस मोर की साउंड, प्यों प्यों, और ये नज़ारा, मज़ा आ जाएगा यार। मैगी खा के हम सब फ्री हो चुके हैं, अब ये टाइम लगा रहा है बहुत। तो अभी जो गंद गुंद डाला इधर हमने उसको साफ़ सूफ करेंगे, साफ़ सूफ करने के बाद पैक पुक करके अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। पर यहाँ पे पास में ना एक झरने की आवाज़ आ रही है, मेरा मन है कि उसको भी एक्सप्लोर किया जाए, तो उसके पास भी ले चलते हैं आपको, फिर उसके बाद अपनी वापसी करेंगे। आपको जन्नत देखनी है ना भाई साहब, कढ़ाई देखो यार भाई, क्या जगह है यार, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। अब यहाँ से कढ़ाई धोएंगे हम, काली हो गया है जला जला के लकड़ियों में, तो अब इसको धो के फरार हो जाएंगे हम। साफ पानी एकदम ठंडा पानी है, लगभग इसका टेम्परेचर होगा 15-20 डिग्री सेल्सियस, पहाड़ों से आ रहा है बर्फ जो गिर रही है ग्लेशियर वगैरह से, या तो बारिश वगैरह। तो कढ़ाई भी धोली हमने, आपको कुछ नज़ारे भी दिखा दिए यहाँ के, दो झरने यहाँ पे, दो नाले हैं, एक तो ये है मेरे पीछे, तो एक वो जो आ रहा था जहाँ हमने धोई। तो अगली बार सोच रहे हैं, इस बार मैगी बनाएंगे, अगली बार पनीर टिक्का बनाएंगे, तो
ऐसी नई नई जगह पे एक्सप्लोर आपको कराते रहेंगे। जगह की लोकेशन मैं आपको लिंक में डाल दूंगा गूगल मैप की। उधमपुर से ज़्यादा दूर भी नहीं है अगर आप उधमपुर में रहते हो। अगर आप जम्मू वाली साइड से या बाहर वाली साइड से तो आपको ये दूर पड़ेगा। तो मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग में, ऐसी नई नई जगह लाते रहेंगे, यहाँ कोई इवेंट होगा वो दिखाते रहेंगे, आपको बोर ना होने देंगे। तो चलो चलते हैं।